हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ इंडियन राइटर एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर ग्रीस कर्नाट विच इज वीच वाज मोस्ट फेमस इंडियन राइटर एंड रिसेंटली इन जून 2024 जो ओ एम आर बेस्ड पे 18 जून को एग्जाम हुआ था उसमें ग्रिस कर्नाट से क्वेश्चन बने थे इनके वर्क को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना था इससे क्वेश्चन आए थे तो ये राइटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए आज इस वीडियो में इनके बायोग्राफी इनके एजुकेशन एंड करियर के बारे में देखेंगे एंड इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर वर्क्स कौन कौन से रहे हैं उनको देखेंगे तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सारे कुछ कवर कर लेंगे सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो सो फ्रेंड्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो गिरीस कर्नाट थे वो एक इंडियन राइटर थे इनका नेशनैलिटी जो है वो इंडियन थे एंड इनका जो फुल नेम था वो गिरीश रघुनाथ कर्नाट था एंड इनका जो जन्म हुआ था वो नाइनटीन ऑफ मई 1938 महाराष्ट्र में हुआ था देन इनका जो डेथ है वो टेंथ ऑफ जून 2019 में हुआ था जब ये 81 इयर्स ओल्ड के थे और इनका डेथ बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था एंड इनका जो ऑक्यूपेशन है पेशा है वो एज अ एक्टर फिल्म डायरेक्टर प्ले राइटर ऑथर पोइट स्क्रीन राइटर स्टेज डिजाइनर स्टेज एक्टर एट्सट्रा ये थे इन्होंने मल्टीपल स्टेज पे इन्होंने काम किया है वर्क भी लिखा है एक्टिंग भी की है और फिल्म का डायरेक्टर भी रह चुके हैं एंड इनका जो मूवी था एंड प्ले था उसे लार्जली लिखा गया कनाडा में एंड इनको ग्रिस कर्नाट को मल्टीपल लैंग्वेज आता था जैसे कि कनाडम कैनेडा हिंदी तमिल तेलगू मलयालम एंड मराठी और मोस्टली इन्होंने कैनेडा लैंग्वेज पे काम किया है फिल्म को सूट किया है देन फ्रेंड्स जो गिरीश कर्नाट थे वो अपना वर्क जो डिफरेंट लैंग्वेज में तमिल में तेलुगु में लिखा हुआ रहता था, था तो मोस्टली अपना वर्क इंग्लिश में ये ख़ुद से ट्रांसलेट करने का काम किया करते थे देन इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो चलिए देखते हैं तो इन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर्नाटका यूनिवर्सिटी से किया था नाइनटीन फिफ्टी एट में आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा देन फ्रेंड्स इनको कई अवार्ड्स मिले हैं जैसे कि जनपित अवार्ड जो 1998 में मिले पद्म भूषण 1992 में नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें कई तरह से आ, नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं जैसे कि फॉर बेस्ट फ्यूचर्स फिल्म इन कनाडा नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं फिर नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले नाइनटीन सेवेंटी एट एंड 1980 में मिले नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन 1972 देन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर सोशल इशूज़ नाइनटीन नाइन्टी देन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर कैनेडा एटसेट्रा तो इन्हें बहुत सारी फिल्म से रिलेटेड अवार्ड मिले हैं फ्रेंड्स अब चलिए इनका लिटरेरी करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ वो भी देख लेते हैं तो ग्रीस कर्नाड वाज स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ प्ले राइट विथ हिज प्ले आयाति इन 1961 सिक्सटी मीन्स जो ग्रीस कर्नाट थे उन्होंने अपना लिटरी करियर आयाति जो एक हिस्ट्री uh, प्ले है उससे स्टार्ट किए थे और इन्होंने इस वर्क को 1961 में लिखा था ही रोट हिज प्ले इन कैनेडा कनाडा एंड ट्रांसलेटेड दैम इन टू और इन्होंने अपना वर्क आयाति कनाडा लैंग्वेज में लिखा और ख़ुद से ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरी हैंनरिकप्सन बाय यूजिंग मिथ एंड सिम्बॉल्स इन हीज प्ले एंड ऑल्सो ही इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन राइटिंग अफेक्टिव डायलॉग्स फॉर हिज कैरेक्टर और जो ग्रीस कर्नाड है वो हैंनरिकप्सन हैं। हैं। जो एक ब्रिटिश राइटर हैं और विलियम शेक्सपियर जो एक ये भी ब्रिटिश राइटर से हैं इन दोनों से ग्रीस कर्नाट इन्फ्लुंस हुए थे और अपने राइटिंग में लिखे थे चलिए अब देखते हैं इनके मेजर वर्क्स तो सबसे पहले इन्होंने जो वर्क लिखा है वो है आयाती जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है अपना लिटरेरी करियर यहीं से स्टार्ट किए थे 1961 में लिखे पब्लिश 1961 में करवाए और इस वर्क के लिए इन्हें मायसूर स्टेट अवार्ड 1962 में आ, दिया गया और यह ग्रीस कर्नाट का फर्स्ट प्ले था जो बेस्ट था महाभारत का एक एपिसोड पे ओके आई होप यहाँ तक क्लियर होगा देन नेक्स्ट वर्क है इनका तुगलक 1964 जो एक हिस्टोरिकल प्ले है और इसमें तेरह सीन है और यह जो वर्क है वो सेट है मोहम्मद बिन तुगलक पे देन इनका नेक्स्ट वर्क है हया वंदना जो 1971 में आया और यह जो प्ले है वह टू एक प्ले है और इसका जो प्लेट प्लॉट है वो बेस्ड है थॉमस मन और भरत कथा के द्वारा लिखा गया ट्रांसपोर्ट हेड तो इस वर्क पे इस जो यह जो प्ले है वह बेस्ड है और इसमें देवदत्त एंड कपिला दो लड़के होते हैं दो फ्रेंड्स होते हैं उस पर कहानी बेस्ड है और ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो पद्मनी से शादी करना चाहते हैं पद्मिनी से तो इस पर यह कहानी बेस्ड है देन नेक्स्ट वर्क है इनका ड्रैगन स्नो जो 1977 में आया देन नाग मंडला जो कनाडा लैंग्वेज में लिखा गया था कनाडा में uh, फॉक टेल है ये और इसमें एक यंग गर्ल होती है रानी और वह शादी करती है अपन्ना से उस पर ये कहानी बेस्ड है देन इनका नेक्स्ट वर्क है टेल डांडा 1990 में The Fire and the Rain, 1995. Bali, The Sacrifice, 2003. The Dreams of Tipu Sultan, 2004. Collected Place, Volume 1. Collected Place, Volume 2, 2005. Wedding Album, 2006. Boiled Beans and Toast, 2014. Crossing the Talikota. 2019 तो इनके जो वर्क है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड लिखा हुआ है तो आप इसे याद कर ले ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क है इनके और क्वेश्चन आते हैं जून 2024 में जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ उसमें इनका वर्क का क्रोनोलॉजी पूछा गया था आयाति तुगलक हया वंदना इस तरह चार ऑप्शन थे और क्रोनोलॉजी सेट करना था तो इनके वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाते हैं तो इसे अच्छे से याद कर लें और सरफेस लेवल पे अयाति तुगलक हया वंदना नागमंडला ये सारे वर्क को सरफेस लेवल पर समरी को देख लीजिए सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीस कर्नाट बायोग्राफी एजुकेशन करियर एंड हीज मेजर वर्कस आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर